जॉब कार्ड लेने के बाद युवाओं के चेहरे पर नजर आई खुशी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में लंबे समय से अवैध शराब बनाने का कारोबार धलल्ले से चल रहा था, जिसके बाद मुरादाबाद के कप्तान अमित पाठक ने रोक लगाते हुए अवैध शराब के कारोबार को बंद करा दिया था, जिसके बाद परिवारों के सामने रोजी रोटी के लाले तक पड़ गए थे। इसी को लेकर पुलिस विभाग के द्वारा परिवारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर आवेदन किया था, जिसके बाद आज लोगों को जॉब कार्ड वितरित किए गए, जिन्हें पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी भी नजर आई। देखिए मुरादाबाद से संवाददाता बाजीत। सर, एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें आप लोगों की भूमिका थी। मुरादाबाद पुलिस प्रशासन की जो पहल है, उसको क्या मानते हैं आप? ये बहुत अच्छी पहल करी है SSP साहब ने और SP सिटी साहब ने। आदर्श नगर में ये जो जॉब के लिए मेला लगाया गया था, एम्प्लॉयमेंट फेयर लगाया गया था, ये एक बहुत अच्छी पहल है। जो लोग वहाँ पे गैरकानूनी काम में लगे हुए थे, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने की बहुत अच्छी कोशिश है प्रशासन की। और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, जो हमारा एक एक्सपोर्टर्स का एसोसिएशन है, उसके थ्रू हम उनसे जुड़े, और उसके बाद जुड़ने के बाद हमारे सब एसोसिएशन के मेंबर्स ने जो जो मदद कर सकते थे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में, उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया है। और एक बहुत अच्छा मैसेज सोसाइटी में देने की कोशिश की है कि भले ही लोग भटक गए हैं, लेकिन उनको हम अब प्रशासन की मदद से अपनी वापस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और इसके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आप भी निर्यातक हैं, युवा निर्यातक हैं, तो युवाओं को आगे ले जाने के लिए और क्या क्या प्रयास करने चाहिए इस तरह से प्रशासन को और सरकार को, क्या मानते हैं? अब जैसे ये एक तरीके का प्रयास है, बट इस प्रयास को आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। अभी जो लोग जुड़े हैं वो लोग कहीं कंपनियों में काम करेंगे, तो आगे जो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा, जो वो लोग वहाँ पे अभी भी लोग कई लोग जॉब से नहीं जुड़े हैं, उनमें हिचकिचाहट है, वो इन सब चीज़ों को देख के कि सब लोगों की अच्छी नौकरी लगी है, अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक मैसेज जाएगा और वो लोग भी सोसाइटी की मेन धारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं यही हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन एक सोसाइटी की तरफ से इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का है। जो मुरादाबाद में आदर्श कॉलोनी में हम लोग एक अपराध के विरुद्ध अभियान चला रहे थे, उसी में क्रम में हमने एक रोज़गार मेले का आयोजन भी कुछ दिन पहले किया था, और जिसमें करीब 400 के आसपास आवेदन पत्र आए। उन आवेदन पत्रों के आधार पर जिन लोगों का इंटरव्यू ले करके प्रथम चरण में जो लोग अलग अलग अर्हताओं के साथ उपयुक्त पाए गए हैं, आज उन 62 लोगों को यहाँ पर जॉब कार्ड दिया गया है, और उसके तहत ये 62 लोग अलग अलग फर्मों में अब नौकरी कर पाएंगे। हमारा प्रयास है कि आने वाले दिनों में, और अभी चूंकि इंटरव्यू शेष हैं, तो एक इससे भी बड़ा एक आयोजन हम और करें, जिसमें शेष लोगों को भी अधिक से अधिक संख्या में रोज़गार हम दिलवा पाएँ। इस सब के लिए मैं मुरादाबाद के सम्मानित नागरिक और व्यापारी बंधुओं का बहुत धन्यवाद पुलिस की ओर से देता हूँ कि पुलिस एक के इस अभियान में उन्होंने जुड़ करके सकारात्मक रूप से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। सर, क्या इसमें महिलाओं को दोनों शामिल? हाँ बिल्कुल, आज कई महिलाओं को भी जो है उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो इंटरव्यू हुए उसके हिसाब से जॉब दिया गया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।